दृष्टि है इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख इंडिया जापान साइन पैक्ट ऑन स्टेम सेल रिसर्च तथा द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित लेख सेल बेस्ड थेरेपी इज गेनिंग मोमेंटम के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल है। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। भारत में स्टेम सेल की बढ़ती लोकप्रियता। अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई, जिसमें विज्ञान एवं तकनीक तथा चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत जापान सहयोग के तहत एक पहल हुई। इस पहल के तहत जापान के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ मिलकर विज्ञान के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट को और अधिक सुलभ बनाने के लिए स्टेम कोशिकाओं के अनुसंधान पर ज्यादा बल दिया गया है। इसी क्रम में डॉक्टर प्रदीप महाजन को स्टेम कोशिका थेरेपी में उत्कृष्टता के लिए पेरिस प्रशंसा पुरस्कार 2017 से भी सम्मानित किया गया था। डॉक्टर प्रदीप महाजन स्टेम RX बायोसाइंस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं। स्टेम RX बायोसाइंस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक समर्पित अनुसंधान केंद्र है। इस अनुसंधान केंद्र के अनुसंधानकर्ता विभिन्न बीमारियों के लिए नए प्रोटोकॉल विकसित करने में दिन रात लगे हुए रहते हैं। आइए अब समझते हैं कि चर्चा के प्रमुख बिंदु क्या हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के पास पहले से ही भारत जापान सहयोग कार्यक्रम है, जिसमें वेल्लोर स्थित ईसाई मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जापान का क्योटो विश्वविद्यालय प्रतिभागी हैं। भारत जापान सहयोग का उद्देश्य भारत में पुनर्संरचनात्मक चिकित्सा और प्रेरित प्लूरीपोटेंट स्टेम कोशिका के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। भारत जापान सहयोग का फोकस सिकल सेल एनीमिया, बीटा थैलेसीमिया एवं मस्तिष्क विकार का इलाज विकसित करने एवं भारतीय जनसंख्या की दृष्टि से प्रासंगिक एक हेप्लो बैंक को स्थापित करना है। आपको बता दें कि हेप्लो बैंक स्टेम कोशिकाओं का विशेष संग्रह करता है, जिसमें उपस्थित स्टेम कोशिकाओं द्वारा किसी भी तरह की कोशिकाओं का निर्माण किया जा सकेगा। आइए अब बात करते हैं स्टेम कोशिकाओं के बारे में। 1960 के दशक से लगातार कनाडा के वैज्ञानिक स्टेम कोशिकाओं पर अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन 1909 में ही रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर मॉक्सिमोर ने स्टेम सेल शब्द के वैज्ञानिक प्रयोग को प्रस्तावित किया था। स्टेम सेल शब्द का प्रयोग पहली बार 1909 में ही किया गया। आपको बताते हैं कि स्टेम कोशिका आखिर है क्या। स्टेम कोशिका अंग्रेजी के दो शब्द स्टेम और सेल से मिलकर बना है। इसमें स्टेम का अर्थ धड़ और सेल का अर्थ कोशिका होता है। स्टेम अर्थात धड़ का प्रयोग वनस्पति विज्ञान में बहुत पहले से होता आ रहा है। पौधों में धड़ ही वह भाग होता है जहां से नई कलियां या नई डालियों का जन्म होता है। इसी तरह प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान में जिस कोशिका से कई कोशिकाओं का जन्म होता है उन्हें भी स्टेम कोशिका कहते हैं। कोशिका हमारे शरीर में वैसे ही है जैसे कि मकान में ईंट। जिस तरह ईंटों को मिलाकर मकान बनाया जाता है, उसी तरह कोशिकाओं के मिलने से हमारे शरीर का निर्माण होता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि एक बूंद रक्त में लगभग 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं। स्टेम कोशिका विभाजित होने के बाद फिर से पूर्ण रूप धारण करने में सक्षम होते हैं। स्टेम कोशिकाओं से लगभग शरीर के किसी भी अंग की कोशिकाओं का निर्माण किया जा सकता है। इसमें एक विशेष गुण पाया जाता है, यह अपने ही जैसे दो कोशिकाओं में विभाजित हो सकती है। विभाजित हुई ये दोनों कोशिकाएं एक दूसरे की प्रतिलिपि होती हैं। इस तरह इसकी संख्या कभी खत्म नहीं होती। इस गुण को स्वनवीनीकरण कहते हैं। आइए स्टेम कोशिका के एक और गुण पर बात करते हैं। स्टेम कोशिका अलग अलग तरह की कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता रखती हैं। स्टेम कोशिका में बहुआयामी क्षमता भी होती है, जिसे हम प्लूरीपोटेंसी कहते हैं। लेकिन यदि एक बार यह किसी अंग का निर्माण कर लेती है तो फिर से दूसरा अंग नहीं बना सकती। जैसे एक स्टेम कोशिका हृदय की कोशिकाओं का निर्माण कर लेने के बाद लिवर की कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर सकती। स्टेम कोशिका का यह महत्वपूर्ण गुण है। आइए समझते हैं कि स्टेम कोशिका के विभाजन क्षमता के आधार क्या क्या हैं। स्टेम कोशिका के विभाजन क्षमता के अभी तक ज्ञात आधार 3 हैं: टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट तथा मल्टीपोटेंट। टोटीपोटेंट स्टेम कोशिका में नर और मादा जनन कोशिका के मिलने के बाद जाइगोट का निर्माण होता है तथा जाइगोट की कोशिका में विभाजन के साथ
एक ब्लास्टोमियर कोशिका का जन्म होता है। इसी कोशिका को टोटिपोटेंट कोशिका कहा जाता है। प्लूरिपोटेंट कोशिका जाइगोट बनने के 8-9 दिन के बाद भ्रूण से स्टेम कोशिका को मध्यवर्ती कोशिका मास से निकाल लिया जाता है। मल्टीपोटेंट स्टेम कोशिका एक वयस्क शरीर में उपस्थित होती है तथा इसके द्वारा एक से अधिक तरह की कोशिकाओं का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन इसकी क्षमता प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिका की क्षमता से कम होती है। शरीर के सभी अंगों में कुछ मात्रा में स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं। आइए अब देखते हैं कि कितनी स्टेम कोशिकाओं पर सर्वाधिक अनुसंधान हो रहे हैं। अनुसंधान में शामिल स्टेम कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की हैं। भ्रूणीय स्टेम कोशिका यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ESC, रक्तजीवी स्टेम कोशिका यानी HSC और मेजेनकाइमल स्टेम कोशिका यानी MSC आदि। सबसे पहले बात करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम कोशिका की। यह भ्रूण की कोशिका से प्राप्त किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ दंपतियों में बांझपन एक बड़ी समस्या होती है। इस समस्या को इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी के समाधान के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF जैसी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस इलाज में नर और मादा की जनन कोशिकाओं को प्रयोगशाला में एक साथ रखते हैं। ऐसा करने से दोनों जनन कोशिकाएं आपस में मिलकर एक जाइगोट का निर्माण करती हैं। जाइगोट बनने के बाद इसे मादा के गर्भाशय यानी यूट्रस में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जाइगोट में कोशिकाओं का विभाजन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और इसी क्रम में बढ़ता रहता है और अंगों में बढ़ता रहता है। जाइगोट बनने के करीब 8 से 9 दिन के बाद जाइगोट की कोशिकाएं 2 भागों में बट जाती हैं। इन दोनों भागों में एक भाग गर्भनाल या प्लेसेंटा तथा दूसरा भाग शिशु के निर्माण का कार्य करता है। शिशु बनाने वाले इसी भाग को ICM यानी इंटरमीडिएट सेल मास कहते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम कोशिका इसी ICM से प्राप्त की जाती हैं। ICM में कोशिका का विभाजन बेहद तीव्र गति से होता है। 1998 में मानव में सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेम कोशिका को उत्पन्न किया गया। 1998 के बाद कई प्रयोगशालाओं में एम्ब्रियोनिक स्टेम कोशिका को उत्पन्न किया गया तथा इस पर पेटेंट प्राप्त किया गया। अब समझते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेम कोशिका की उपयोगिता क्या है। एम्ब्रियोनिक स्टेम कोशिका से हृदय की कोशिकाएं, तंत्रिका की कोशिकाएं, लीवर की कोशिकाएं तथा अस्थि की कोशिकाएं आदि बनाई जा सकती हैं। भविष्य में बीमारियों के ठीक करने की इससे ज्यादा संभावनाएं हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम कोशिकाओं पर अभी कई सालों तक प्रयोगशालाओं में अध्ययन की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इसको कैसे नियंत्रित करके लीवर, हृदय या अन्य अंगों की कोशिकाएं बनाई जाएं, इस पर शोध होना अभी बाकी है। एम्ब्रियोनिक स्टेम कोशिकाओं में संभावनाएं तो बहुत हैं। वैज्ञानिक भी इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं, लेकिन अभी इसका प्रयोग बीमारियों के इलाज में नहीं किया जा सकता है। इसमें कोशिका उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता होने के कारण इसमें ट्यूमर अधिक बनने लगते हैं। अमेरिका ने 2008 में प्रारंभिक अध्ययन के लिए स्पाइनल कॉर्ड के गहरे चोट से पीड़ित मरीजों पर इसके प्रयोग की पहल शुरू की। अब बात करते हैं हेमेटोपोएटिक स्टेम कोशिका यानी HSC की। एक सामान्य व्यक्ति में रक्त लगातार बनता रहता है। रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। रक्त में सबसे ज्यादा लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं की आयु लगभग 120 दिन या 4 महीने की होती है। एक दिन में लगभग 2000 करोड़ से भी ज्यादा लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होती हैं। साथ में इतनी ही लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण भी होता है। हेमेटोपोएटिक स्टेम कोशिकाएं अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, परिधीय रक्त यानी पेरिफेरल ब्लड और नाभिकीय रज्जु आदि में पाई जाती है। हेमेटोपोएटिक स्टेम कोशिका के द्वारा अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण किया जाता है। रक्त बनने की प्रक्रिया में हिमेटोपोएटिक स्टेम कोशिका विभाजित होकर अपनी एक प्रतिलिपि कोशिका का निर्माण करती है। इन दोनों कोशिका में एक हिमेटोपोएटिक स्टेम कोशिका रह जाती है तथा दूसरी कोशिका रक्त बनाने की दिशा में अग्रसर हो जाती है। रक्त बनाने वाली कोशिका 3 रक्त कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स का निर्माण करने लगती हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती है। हेमेटोपोएटिक स्टेम कोशिका शरीर में रक्त की कोशिकाओं को समुचित मात्रा में रखने के लिए बेहद आवश्यक हैं। रक्त जो हमारी नसों में बहता है उसको ही परिधीय रक्त यानी पेरिफेरल ब्लड कहते हैं। प्रवाहित हो रहे परिधीय रक्त में भी हेमेटोपोएटिक स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन इसमें इनकी संख्या बहुत कम होती है।
अब बात करते हैं नाभिकीय रज्जु रक्त की। आप इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि किसी बच्चे के जन्म के समय उसके नाभि से एक रस्सी नुमा संरचना जुड़ी रहती है, इसी को नाभिकीय रज्जु रक्त कहते हैं। नाभिकीय रज्जु को प्लेसेंटा अथवा गर्भनाल भी कहा जाता है। बच्चे और प्लेसेंटा के बीच रक्त की नलियां होती हैं, जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड यानी नाभिकीय रज्जु रक्त कहते हैं। बच्चे के पैदा होने के बाद इसे बच्चे की नाभि के पास से बांधकर काट दिया जाता है। इस कटे कॉर्ड को सामान्यतः फेंक दिया जाता है, लेकिन इस कटे हुए भाग में ही कई प्रकार की स्टेम कोशिकाएं मौजूद होती हैं। इसमें सबसे ज्यादा हिमेटोपोएटिक स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब आपको बताते हैं कि रक्त की बीमारियों में हिमेटोपोएटिक स्टेम कोशिकाओं की उपयोगिता कैसी है। ऐसे मरीज जिनके रक्त में कोशिकाओं की कमी होती है, वह कमी चाहे अस्थिमज्जा की बीमारी से हो या फिर किसी कैंसर के इलाज से, इस चिकित्सा पद्धति को ही अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण कहते हैं। लेकिन इसकी वास्तविकता देखी जाए तो इसमें हिमेटोपोएटिक स्टेम कोशिका का ही प्रत्यारोपण होता है। स्टेम कोशिकाओं के क्षेत्र में कोई भी चिकित्सा इतनी प्रामाणिक और स्थापित नहीं हो पाई है जितनी कि हिमेटोपोएटिक स्टेम कोशिका। वर्तमान में अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण एक सफल इलाज के रूप में कार्यरत है। इसके बाद बात करते हैं मेजेनकाइमल स्टेम कोशिका यानी MSC की। मेजेनकाइमल स्टेम कोशिका शरीर के कई अंगों में जैसे अस्थिमज्जा, चर्बी की कोशिकाएं तथा अम्बिलिकल कॉर्ड में भी पाई जाती है। MSC से रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं किया जा सकता। MSC स्टेम कोशिकाओं से केवल हड्डी, कार्टिलेज तथा चर्बी आदि की कोशिकाएं बनाई जाती हैं। मेजेनकाइमल स्टेम कोशिकाओं को प्रयोगशाला में आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। इनका एक विशेष गुण यह है कि ये कोशिका के विभाजन के समय प्लास्टिक से चिपक जाती हैं, जिससे इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। गौर करने लायक बात यह है कि इसे मरीज के शरीर से निकालकर प्रयोगशाला में इनकी संख्या में बढ़ोतरी करने के बाद फिर से मरीज के शरीर को दिया जा सकता है। भविष्य में इनके प्रयोग की अधिक संभावनाएं दिख रही हैं। अभी हाल ही में इसे लकवे के इलाज में प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिका की। वर्ष 2006 में शिन्या यामानाका और ताकाशाही ने मिलकर एक क्रांतिकारी खोज की। चूहे के शरीर में फाइब्रोब्लास्ट नामक कोशिका से प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिका का निर्माण किया। आगे चलकर मानव की कोशिकाओं से भी इसी प्रकार प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिका को बनाने में कामयाबी हासिल की है। फाइब्रोब्लास्ट कोशिका से प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिका बनाने के लिए इसे चार तरह के जीन से प्रेरित किया जाता है। यह एक क्रांतिकारी खोज है क्योंकि बीमार व्यक्ति की कोशिकाओं के द्वारा प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं का निर्माण किया जा सकता है। इसकी क्षमता एम्ब्रियोनिक स्टेम कोशिका जैसी ही होती है। इस स्टेम कोशिका को शरीर आसानी से स्वीकार भी कर लेता है। अभी इसका प्रयोग इलाज में नहीं किया जा रहा। इस क्रांतिकारी खोज के लिए यामानाका और उनके साथ जॉन बी गुर्डन को साल 2012 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइए अब समझते हैं भारत में स्टेम कोशिका से हो रहे इलाज के बारे में। भारत में 2005 से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्टेम कोशिका सुविधा की शुरुआत की गई। वर्तमान में स्टेम कोशिकाओं का प्रत्यारोपण का असर कई बीमारियों के इलाज में मील का पत्थर साबित हो रहा है। भारत में हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाओं का पुनर्जनन, नेत्र सतह का पुनर्निर्माण, रेटिना संबंधी रोग के इलाज, परिधीय संवहनी रोग, फैली हुई कार्डियोमायोपैथी, न जुड़ने वाले अस्थिभंग तथा अतिरिक्त यकृत पित्त के निर्माण इत्यादि में स्टेम कोशिकाओं की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही गर्भनाल यानी प्लेसेंटा रक्त बैंकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि स्टेम कोशिकाओं का आसानी से संग्रहण तथा जरूरतमंद लोगों को स्टेम कोशिकाएं उपलब्ध कराई जा सके। भारतीय वैज्ञानिक मानव स्वास्थ्य एवं बीमारी की समझ के साथ ही बीमारियों को रोकने के लिए स्टेम कोशिकाओं के माध्यम से नए तरीकों की खोज में जुटे हुए हैं। अनुसंधान में शामिल स्टेम कोशिकाएं हैं मेजेनकाइमल स्टेम कोशिका, प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिका, कार्नियल उपकला स्टेम कोशिका, एपिडर्मल स्टेम कोशिका, कैंसर स्टेम कोशिका आदि क्षेत्रों में गहन अध्ययन चल रहे हैं। जिस तरह दवाइयों को बाजार में लाने से पहले उसे कई प्रयोगों से होकर गुजरना पड़ता है, उसी तरह स्टेम कोशिकाओं को भी प्रयोगों के स्तर से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन दवाइयों की सारी बातें स्टेम कोशिकाओं पर लागू नहीं होती। अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया, जिसके तहत स्टेम कोशिकाओं को दवाइयों के नियंत्रण वाले कानून से जोड़ दिया गया है। अर्थात अब से दवाइयों पर लगने वाला नियम और कानून स्टेम कोशिकाओं पर भी लागू होगा। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल।
ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया, क्षतिग्रस्त कार्निया एवं गंभीर दाह सहित सुविस्तृत चिकित्सीय दशाओं में उपचार करने के लिए भारत में स्टेम कोशिका लोकप्रिय होती जा रही है। संक्षेप में वर्णन कीजिए कि स्टेम कोशिका उपचार क्या है और अन्य उपचारों की तुलना में इसके क्या लाभ हैं।